हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भगवद गीता में 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोविष्ट स्थापित और अभी भगवान जो है अपनी अलग अलग उपासना की पद्धतियों बताने से पहले ये बता रहे हैं कि जो महात्मा होते हैं या जो भक्त होते हैं तो उनको कैसे पहचाने कि वो महात्मा होते हैं ना। क्योंकि महात्मा जो होते हैं वही भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और भगवान की जो दुर्गा देवी उनके संरक्षण में नहीं रहते हैं, देवीम प्रकृषे राधा रानी के संरक्षण में वो रहते हैं। तो महात्मा क्या खाली कह देने से महात्मा हो जाते हैं? नहीं, उनके पास लक्षण होते हैं। क्या लक्षण है? सततम कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्य मा भक्त्याम् नित्ययुक्ता उपास्यते। 14वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि महात्मा की क्या क्वालिटी होती है। तो सततम कीर्तयन्तो मा, कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इसको कोई पढ़ना चाहेगा? हे कृष्णा जी, माता जी मैं पढ़ ली। आप प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट पे हैं। प्रणय राधिका जी, आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा जी, माता जी आ रही है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, ये सदैव कृष्ण के गुणगान व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वे निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महामान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के पांच दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए ये मनसा वाचा कर्माना अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है।
यही पूर्ण कृष्ण भावामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दीर्घवर्त कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान की के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलत उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, ये भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वे संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू जी। तो जैसा कि आप देखते हैं कि शिल बोला है ये बहुत ही क्रांतिकारी, क्योंकि भारतवर्ष में स्पेशली हर दिन एक नया महात्मा बनता रहता है ना। फिर उसके बाद होता है कि जो बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं लोग उनको सुनते रहते हैं, कभी उनकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की जा सकती, चेक नहीं करते है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑथेंटिसिटी चेक की जाए। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रमाणिक है क्या, प्रमाणिकता का जो एक पॉइंट है वो है क्या। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को कि महात्मा उसको कहा जाता है जिसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती है। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है कि उसको भगवान के गुणगान करने में, कथा करने में, भगवान के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो दिन रात बस इसी कार्य में लगा रहता है, पहली क्वालिटी। और वो ये प्रयास कैसे करता है, बस हवा में किले बनाकर, हाँ आज ये करना है, आज ये करना है, काश ऐसा है, नहीं। वो उनकी प्रॉपर प्लानिंग करता है, संकल्प करता है और दृढ़ता पूर्वक उसके लिए प्रयास है ना। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, अगर मान लीजिए उसने कोई बिजनेस खोला है तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा प्रयास करते हैं कैसे, संकल्प के साथ योजना बनाते हैं है ना, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद वो उसके लिए सीरियसली प्रयास करते हैं। उसी तरह से जो महात्मा होते हैं वो एक तो निरंतर गुणगान में लगे रहते हैं है ना, और इस गुणगान को निरंतरता बनाए रखने के लिए और समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए वो दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में रहते हैं है ना। और क्या करते हैं, वो सदैव भगवान को नमस्कार करते हैं है ना, और भक्ति में निरंतर जो है भगवान की पूजा या अर्चन विधि करते हैं। तो ये जो कार्य है, चार कार्य, ये अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको महात्मा कहा जाता है, ना कि अपने मन से या रबर का स्टैंप लगाने से तो महात्मा कहता है ना। तो यहाँ पे समझना होगा कि जब भी कभी हम ऐसे साधु संतों को या गुरुजनों को या किसी महात्मा को चुने तो उनमें ये चार गुण हम हमेशा देखें है ना, कि वो एकांत में क्या करते हैं है ना, स्टेज पर आके तो उन्होंने प्रवचन दे दिया, कर लिया, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट किस में। तो अगर वो ये चार चीजें करते हैं तो ही वो महात्मा कहला सकते। तो जैसा आप देखते हैं नमस्कार में भी भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए फिर कह रहे हैं नमस्कार सब। तो भगवत गीता के अन्य श्लोकों में भी भगवान ने ये बात कही है, जैसे कि कई बार लोग चैलेंज करते हैं कहाँ कहा है भगवान ने कि मुझे प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो। देखिए ऐसे ये भी श्लोक है, उसके बाद मनमना भव मद भक्तो भी है, उसमें भी भगवान ने कहा है नमस्कार, नमस्कार करो मुझे है ना। तो हम नमस्कार किसको कहते हैं, तो नमस्कार नम धातु से बनता है ना। तो नम धातु में क्या होता है कि हम नमन उसको करते हैं जो जो हमसे श्रेष्ठ होता है। हम हर व्यक्ति को नमन नहीं करते है ना, जो हमसे श्रेष्ठ होता है हम उसको नमन करते हैं। तो श्रेष्ठता जिसको किया जा रहा है, मतलब हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि तू हमसे श्रेष्ठ है और हम उनके अशिष्यता ग्रहण कर। तो भगवान को नमन करने का मतलब ये होता है कि ये समझना कि रूट में जो सेंटर पॉइंट है वो कृष्ण है,
समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बोल रहे नित्य कीर्तन करना। तो नित्य कीर्तन में क्या आता है कि भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनके बारे में लोगों को जागृत करना। तो आज जो समाज में आप देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि समाज में देखिए कितने तरह के इज्म है ना। कहीं पे आप देखते होंगे प्रजातंत्र है, कहीं पे राज्यतंत्र है, कहीं कम्युनिस्ट है, कैपिटलिज्म है। तो अलग अलग विश्वास के साथ लोग अपना जीवन या देश को चला रहे हैं, और वो ये क्या सोचते हैं कि इससे समाज में एकता और शांति स्थापित कर पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया गया, जिसमें ये देखे देते हैं कि सारे देश जो है एक साथ मिलकर कार्य करें। लेकिन हकीकत के प्लेटफॉर्म में देखा जा रहा है कि उतना ही विघटन होता चला जा रहा है ना, उतना ही विघटन देखने को मिल रहा है। कोई संयुक्त नहीं है, है ना। सब लोग अपना अपना जो है वो विचारधारा या देश को अपने आगे, अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। ईर्ष्या द्वेष का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। दिन रात आप देखिए, कभी महामारी है, कभी दुनिया महामारी से जूझ रही है, कभी अलग अलग संक्रमण आ रहे हैं, युद्ध की हर जगह जो है वो स्टेट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंग्जाइटी और तनाव एटमॉस्फेयर ही हम क्रिएट कर पाए। हम एकता या शांति के लिए कोई भी प्रयास कर रहे हैं वो हो नहीं रहा। तो उसका रीजन शिल्प प्रपात बताते हैं कि हम जो है सही सिद्धांतों को स्टैब्लिश नहीं कर, इस दुनिया को जिसने बनाया है, सृष्टि की है, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं भगवान, उन्होंने नियम भी बनाए हैं, है ना। तो हम किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, जब हम स्पिरिचुअल कम्युनिज्म स्टैब्लिश करें तभी हम समाज में शांति पा सकते। तो स्पिरिचुअल कम्युनिज्म में क्या होता है कि ये बात को स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो सारी संपत्ति है उसको क्रिएट करने वाले, मेंटेन करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में लिखा है, और भी जितने भी ऑथेंटिक भक्तिमय ग्रंथ हैं उनमें जो मेन ऑथराइज लोगों ने उन्होंने व्याख्या की है कि इस तरह से ही भगवान ही क्रिएशन करते। तो जब हम ये समझेंगे कि सारी संपत्ति न तो प्रजा की है, न तो कैपिटलिज्म की है, न ही कोई जो कुलीन वर्ग है उनकी है, बल्कि ये सारी संपत्ति भगवान की है, तब हम जाके सही रिसोर्स के साथ करेंगे। भगवत गीता का भी मेन श्लोक है जो बताते हैं, भगवान भोक्तारम यक तपसारम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। तो जब हम ये समझेंगे तभी शांति मिल सकती है कि भगवान कृष्ण ही इंजॉयर है, भोक्ता है ना, सर्वलोक महेश्वर, ही इज द मास्टर ऑफ एवरीवन, भगवान मास्टर है। एंड कृष्णा इज द वेल विशर, कृष्णा जो है सबके वेल विशर है, हम नहीं वेल विशर है। जब हम ये सेंटर पॉइंट अपने लाइफ में लेके आते हैं तभी समाज में हम देखते हैं कि एकता और शांति हो सकती है। एक बार श्री प्रभुपाद ने जब तक महाराज को मायापुर टेम्पल के लिए सारा इंस्ट्रक्शन दिए थे, तो उन्होंने बोला था महाराज को कि यहाँ पे आप जो यूनाइटेड से एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि विश्व में शांति बनाई जाए, है ना, उसके लिए संगठन जो बनाए जा रहे हैं, तो वो तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मायापुर में हम दिखा सकते हैं कैसे कृष्ण को सेंटर में रखकर हम जो है वो पूरी दुनिया में एकता ला सकते हैं। तो हम सब भाई भाई की तरह कब रहेंगे, जब हमारा पिता एक होगा। जब पिता एक होगा कृष्ण, तभी तो हम सब भाई भाई होंगे, नहीं तो भाई कहाँ से होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे श्री प्रभुपाद के इस्कॉन में हर देश के लोग आके रहते हैं, उनका सेंटर पॉइंट कृष्ण होते हैं, कृष्ण भावनामृत भक्ति होती है। तो चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, है ना, दक्षिण भारतीय हो, यूरोपियन हो, कोई भी देश के लोग होते हैं, वो बहुत आराम से एक साथ रह पाते हैं क्योंकि उनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कृष्ण होता है। तो इस तरह से वो एक साथ, आप देखिए मंगला आरती में आते हैं, डांस करते हैं, एक साथ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, एक साथ वो सारे जो एक्टिविटीज हैं उनको फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद ने करके भी दिखाया कि भगवान जो है वो जानते हैं कि किस तरह से समाज में एकता आ सकती है। तो पहला बात है कि वो गुणगान करता हो, कीर्तन करता हो, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता है, और फिर वो भगवान को हमेशा नमस्कार करता है, यानी भगवान को सुप्रीम अथॉरिटी कृष्ण को मानता है,
और निरंतर पूजा करता है। ऐसा नहीं कि आज उसने सैटरडे है तो गया मंदिर में सेवा कर ली, या ट्यूसडे है तो चला गया मंदिर में, है ना, लड्डू चढ़ा के चला है, ऐसा नहीं। निरंतर रोज सुबह पहर शाम की भक्ति में लगता रहा। तो श्री प्रभुपाद एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि माता जी भगवान की साकार भक्ति में जो एक व्यक्ति मिनट लगा आवाज होता नहीं है, आ रही माता जी। जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करता है उसकी बात नहीं हो रही है, समझ रहे? तो भगवान का जो निराकार स्वरूप है वो निर्विशेषवादियों का ग्रुप है। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो लोग जो है महात्मा नहीं होते हैं, क्योंकि वो भगवान का अधूरा नॉलेज जानते हैं तो वो महात्मा कैसे हो। यहाँ पे महात्मा उन व्यक्ति को कहा गया है जो भगवान की साकार भक्ति में लगे रहते हैं, है ना, और निरंतर लगे रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सांख्य, आत्मनिवेदनम। तो हमें ये समझना होगा कि जब नवदा भक्ति हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे तभी वो व्यक्ति महात्मा हो सकता है, और भगवान इसमें आगे बताएंगे कि ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तो हम जो सहजता से महात्मा शब्द कहीं पर भी लगा रहे हैं वो महात्मा शब्द सही नहीं लगा हुआ। महात्मा इन व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के लिए लगाया जा सकता है जिनपे ये चारों क्वालिटीज जो है दिखाई दे, जिनके अंदर ये चारों लक्षण दिखाई दे, वो लोग जो है महात्मा कहलाते हैं। तो भक्ति के जो कुछ काम होते हैं, जैसे आप देखेंगे श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 जो है वो बताए हैं विधि, है ना, कि 64 अंग बताए हैं भक्ति के जिसको हम कर सकते हैं, 64 तरह से भगवान की भक्ति की जा सकती है ना। उसमें से कुछ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 है। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, नाम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए पहला, दूसरा मथुरा वास करना चाहिए, तीसरा हमारा आता है धाम धाम दर्शन करना चाहिए, हाँ, और चौथा है अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान की प्रीति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना, और पांचवा है श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करना, है ना, और भागवतम से मार्गदर्शन लेना। तो इस तरह के से जो 5 है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो अपराध से मुक्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन निरंतर करना चाहिए। जैसे कि हरिदास ठाकुर है, वो देखिए निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो कैसे कीर्तन करते थे, दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते थे, आज हमें इतना करना है, है ना, ऐसा नहीं कि आज हमने 32 माला कर ली, कल हमने एक माला भी नहीं की, ऐसा नहीं। तो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी का व्रत रखना है, एकादशी व्रत रखना है, ना? तो उनको ऐसे नहीं कि आज किया अगले महीने नहीं किया, ऐसा नहीं, तो हर मंथ दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो होते हैं महात्मा जो होते हैं इस तरह से भक्ति करते हैं। तो भक्ति के बारे में होता है कि भक्ति जो है क्योंकि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल होती है इसलिए बहुत सरल होती है। बाकी मेथड जो होते हैं वो हमारे स्वभाव आत्मा के स्वभाव के अनुकूल नहीं होते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करने जाना हो तो सुखपूर्वक तपस्या नहीं हो सकती। लेकिन कृष्ण भावनामृत की भक्ति, अगर बोले आपको तीर्थ जाना है, आपको गिरिराज जी लेके चलेंगे ना, तो अब आप बताइए आपको कितनी ऑस्टेरिटी लगने वाली है ना। यदि आपको बोले कि आज भगवान के विग्रह की सेवा है, आप सबको आना है, विग्रह की सेवा की सारी तैयारियां कर, किसको तपस्या लगने वाली है ना। तो भगवान के बारे में कथा श्रवण हो, कीर्तन हो, है ना, तो प्रसाद ग्रहण करना हो, किसको तपस्या लगती है। खुशी खुशी लोग आते हैं, और ये कोई सरल है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते। तो इस तरह से जब हम सक्षम गुरु के निर्देशन में जब हम भक्ति करते हैं तो ही ये भक्ति जो है सफल हो सकती है। तो यहाँ पे भगवान जो है महात्मा के लक्षणों को बताया, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम भी अपने जीवन में
शांति चाहते हैं, है ना, सुख चाहते हैं, तो हमें कृष्ण को सेंटर में बनाना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं, कभी भी सुखी नहीं। तो सुख का रास्ता ही यहीं से शुरू होता है कि हम भगवान को एक्सेप्ट करें। क्योंकि क्या होता है हमारे जीवन में, अगर आप देखिए तो जब हमारी आइडेंटिटी या किसी भी चीज में चेंज आता है तो हम जो है वो दुखी हो जाते हैं, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, फियर होता है ना। कभी हमारे आइडेंटिटी में चेंज होता है, कभी हमारे जॉब में चेंज हो जाता है, कभी हमारे फैमिली में चेंज हो जाता है, कभी अपनी बॉडी के साथ चेंज हो जाता है। तो जब ये चेंज होता है तब हमें एंजाइटी फील होती है ना। और जब हम कोई ऐसी चीज पर अपना कंसंट्रेट करते हैं जो कि सदैव रहती है, शाश्वत है, तो हमें एंजाइटी और फियर नहीं। आप लोग ऐसा लगता है ना, व्हेन देयर लाइफ चेंजेस, जैसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अपने घर में रह रही है, शादी होती है, दूसरी जगह जाते हैं, जब चेंज होता है तो उनको डर और फियर लगता है, एंजाइटी रहती है ना। जॉब है, एक जॉब है, उसको चेंज हुआ तो एंजाइटी हो, शेयर फील करता है ना। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो शाश्वत है, उसके बारे में नॉलेज है, वहां पे हम सुबह उठ के वहां पे अपना कंसंट्रेशन करते हैं, वहां पे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को सुख पूर्वक भय रहित रख सकते हैं, है ना। अब वो वस्तु क्या है शाश्वत, वो है आत्मा। जब हम आत्मा और भगवान के संबंध को ठीक से रखते हैं तो हम जो है सदैव फियरलेस रह सकते हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं कि आसपास शारीरिक परिवर्तन हो रहा हो, समाज में परिवर्तन हो रहा हो, हमारे आसपास फैमिली सिस्टम में परिवर्तन हो रहा हो, तो हम उतने ज्यादा एंजाइटी में नहीं रहते हैं, है ना। ऐसा होता है ना, जब हम चैंटिंग करते हैं, हीयरिंग करते हैं, भगवान का प्रसाद करते हैं, तो हम कहीं भी रहते हैं, हम किसी व्यवस्था में रह सकते हैं, हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये ज्ञान जो होना चाहिए कि लक्षण के आधार पर उस महात्मा को पहचानना चाहिए, ये नहीं कि सबने कह दिया कि ये महात्मा है तो उनके पीछे पीछे चले। श्री प्रभुपाद जो यहाँ पे लिख रहे हैं रबड़ के मोहर से जो है वो महात्मा नहीं बने, तो एक्चुअली वो महात्मा गांधी के लिए लिख रहे हैं, है ना। आज की डेट में हम सब ने आप देखते हैं कि अगर लीडर हमारा चीफ नहीं हो तो उसके पीछे जब हम चलते हैं तो सारे जो लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रभुपाद ने भी अगर लीडर अंधा हो और तो उसको फॉलो करने वाले लोग भी गड्ढे में गिरेंगे और वो तो गिरेंगे। तो समाज में जितनी भी दिक्कतें हैं इसलिए है क्योंकि हमारे लीडर्स महात्मा नहीं, ना टाइटल दिया गया। तो जब हम ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं कपटी या अनफॉर्चुनेट खाली नाम नाम के महात्माओं का असंग करते हैं तो हमें रिजल्ट कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती, एकता नहीं मिल सकती समाज में। तो सुख और शांति और एकता एस्टैब्लिश करने के लिए हमें भगवान ने जो चीजें बताई हैं उन चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस्कॉन में जितने भी लोग हैं उनको जब भगवत गीता पढ़नी चाहिए शिल प्रभुपाद की, तो शिल प्रभुपाद के हिसाब से ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हर किसी को महात्मा नहीं बनाना चाहिए, लक्षण के आधार पर महात्मा कि क्या एकांत में उनकी इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट है। यमुना मैया की जाए, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान ने ये पॉइंट बताया। तो ये श्लोक आप लोग प्लीज लर्न करिएगा, आप लोगों को ये श्लोक आना चाहिए, है ना। और बहुत ही सिंपल श्लोक है। तो ये चार चीजें जब कोई व्यक्ति करता है तभी वो भगवान के नजर में महात्मा है और उनको महात्मा एक्सेप्ट करके अपने जीवन में उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। आइए 15वां श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्येन यजत माम उपास्यते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वं सुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशील द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में विविध रूपों में तथा विश्व के रूप में करते हैं। अब भगवान जो है विविध प्रकार की जो भगवान के आराधना की विधि है उसको बता रहे हैं। सबसे पहले साकार रूप का वर्णन किया यानी भक्ति का वर्णन किया,
कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव भगवान के सतत रूप में पूजा करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग भगवान के निर्विशेष स्वरूप को मानते हैं वो क्या करते हैं। इस श्लोक में पिछले श्लोक का सारांश है कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध हैं वे कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, कृष्ण में अविचल, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी में भक्ति नहीं करते, वे महात्मा के है ना, यानी भक्त। और जो लोग ऐसे नहीं होते हैं वो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकार के कृष्ण की पूजा करते थे। कुछ का वर्णन जैसे बताया गया आदर धरती ज्ञानी जिज्ञासु के रूप में हो चुका, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन जो इनसे भी निम्न होते हैं। उनके तीन कुटियां होती हैं। सबसे पहले परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं, है ना, जो सोचते हैं भगवान और हम बस एक ही है, है ना। और दूसरा है परमेश्वर के किसी काल मनोकल्पनिक रूप की पूजा करते हैं, है ना। और तीसरा है जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं, सब जो विश्व रूप है भगवान का उसकी पूजा करते हैं। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने को अद्वैत मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य। ये दुर्भाग्य है हमारे हमारे देश में सबसे ज्यादा है, बाकी विश्व में भी ऐसा है। मायावादी है ये लोग, क्या सोचते हैं कि भगवान और जीव में अंतर नहीं है, जीव की उपासना ही भगवान की उपासना है, ऐसा। तो ये सबसे ज्यादा होते हैं तीनों। फिर बताते हैं कि ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर वो आत्मा है। कम से कम ऐसे भाव तो प्रधान रहता ही है। समानता निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग देवताओं के उपासक होते हैं, जो आप कोई स्वरूप की पूजा करते हैं, तो भगवान के किसी गणेश हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, है ना, और भी बहुत से हैं, उनको किसी एक की उपासना करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग जो है, जो मैंने बताया कि वो विश्व रूप की पूजा करते हैं, वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, तो ब्रह्मांड को ही परम जीव की सत्ता मानकर उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा सोचते सोचते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा, है ना। कई लोग भी ऐसे ऐसे करके देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यहाँ इस जो कुछ है यही है, तो क्या करते हैं यहाँ कि सब में भगवान है ना, किसी की पूजा करो सब भगवान है, ठीक है ना, किसी भी पेड़ की पूजा करो किसी सब भगवान एक ही है सभी। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ये निर्विशेष होते हैं और भगवान की उपासना ये तीन प्रकार से करते हैं, ठीक। तो आज हम यही दो श्लोक पढ़ते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। श्री प्रभुपाद की जय।